हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स, और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का ट्रिगर है पैनकेक्स। लगभग महीने में दो बार मैं अपने बच्चों के लिए खुद पैनकेक्स कुक करता हूँ। जी हाँ, मैं कुकिंग जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, और पैनकेक्स मेरी बेटियों को बहुत पसंद हैं। सो अबाउट ट्वाइस अ मंथ वो काफ़ी हमारा एग्रीमेंट रहता है, अगर वो अपनी प्रोमिसज मेरे साथ फुलफिल करती हैं तो आई ट्रीट दैम टू पैनकेक्स संडे मॉर्निंग उनके लिए। शायद काफ़ी सुनने वालों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले मैं होटल इंडस्ट्री में था। होटल मैनेजमेंट करने के बाद लगभग 9-10 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया। ज़्यादातर मेरा जो वर्क का प्रोफाइल था वो F&B सर्विस एंड होटल ऑपरेशंस में था, पर कोर्स के ड्यूरेशन जो होटल मैनेजमेंट मैंने IHM चंडीगढ़ से की, उसमें उस 3 साल के डिप्लोमा में, उस समय डिप्लोमा हुआ करता था, बाद में वो डिग्री में कन्वर्ट हुआ, तो एक बड़ा अहम सब्जेक्ट हुआ करता था F&B प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। जो लोग किचन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अहम सब्जेक्ट होता था। हमारे इंस्ट्रक्टर एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग थे, मिस्टर राजदान। एंड राजदान सर, आपकी कही गई बातें जो कि फूड प्रोडक्शन में थी बट जीवन के कई और डायरेक्शंस में भी काम आ जाती हैं। मैं आज भी राजदान सर के साथ इन टच हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे तक पहुँचती रहती हैं, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे तक पहुँचता रहता है। और चलिए आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में जो 5 या 6 घंटे की क्लास हुआ करती थी, जब हमें स्क्रैच से बिल्कुल स्टोर से वो सारी जो सामान मिलता था उससे कुक करके लंच बनाना होता था या एक प्रॉपर मील बनाना होता था, तो कुकिंग की प्रोसेस में राजदान सर चूँकि हमारे टीचर थे और हमारे इंस्ट्रक्टर थे उस प्रोग्राम के, तो वो आके उनका एक बड़ा पेट रिमाइंडर होता था, क्योंकि एक गलती हम अक्सर करते थे वो फ्लेम को कंट्रोल करना। तो राजदान सर हमेशा कहते थे आंच को कंट्रोल करना सीखो, आंच को कंट्रोल करना सीखो, और ये इनका पेट डायलॉग, पेट रिमाइंडर होता था फूड एंड प्रोडक्शन की उस क्लास में, बेटा आंच को कम करो, आंच को कंट्रोल करना सीखो, यानी फ्लेम को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि फ्लेम जब ज़्यादा होता है तो कुकिंग ख़राब हो जाती है। एनीवे, इस संडे मॉर्निंग जब मैं पैनकेक्स बना रहा था तो मैं किसी और चीज़ में बिजी था, पैनकेक्स का बैटर बना हुआ था, तो मेरी वाइफ ने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ इस बार। मैंने कहा नहीं, रहने दो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। बट शी इंसिस्टेड, नहीं नहीं, मुझे पैनकेक तैयार करना है, मुझे ट्राई करना है। नो, शी इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल कुक, बट समहाउ पैनकेक्स मेरी स्पेशलिटी है, मैं ज़्यादा अच्छे से बनाता हूँ। तो हुआ ये कि जिस नॉनस्टिक पैन में पैनकेक्स बनने थे वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गया, और मेरी वाइफ ने जो पहला पैनकेक बनाया वो बुरी तरीके से जल गया, खाने लायक नहीं था, बस क्योंकि पैन ओवरहीट हो चुका था। तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली जो राजदान सर की जो इंस्ट्रक्शन जो बैठी हुई थी वो माइंड से, वही ज़ुबान से वही चीज़ एकदम से निकल गई, आंच को कंट्रोल करना सीखो, आंच को कंट्रोल करना सीखो। शुक्र है मैंने ये सेंटेंस एग्जैक्टली नहीं बोला जैसे राजदान सर बोलते होते थे, बेटा आंच को कंट्रोल करना सीखो, तो बस नेचुरली बोला आंच को कंट्रोल करना सीखो। एंड फिर जब पैनकेक मैंने बनाया काफ़ी कम फ्लेम कर, फ्लेम पर पैन को ठंडा करके, तो मेरे माइंड में वैसे एक ऑब्जर्वेशन आई जो इस वीडियो का मेन पर्पस है। लाइफ में भी आंच को कंट्रोल करना आना चाहिए, लाइफ में भी हमें अपने इनर फ्लेम को, अपने अंदर की आग को कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे कुकिंग में फ्लेम को कंट्रोल करना ज़रूरी है, वैसे लाइफ में भी इनर फ्लेम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में भी अगर ज़रूरत से कम आग हो तो हमारे सपने आधे अधूरे रह जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे, अंडर कुक्ड रह जाएंगे, हमने उतनी क्षमता नहीं होगी अपने सपनों को साकार करने की। टू लिटल फायर, टू लिटल इनर फ्लेम एंड अवर ड्रीम्स विल रिमेन अंडर कुक्ड, टू मच ऑफ इनर फ्लेम एंड वी विल बर्न एवरीथिंग इंक्लूडिंग अवर सेल्व्स। और अगर ये अंदर की आग को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम हमारे सपने भी जल जाएंगे और हम खुद भी जल सकते हैं। देयरफॉर जस्ट लाइक इन कुकिंग, अच्छा खाना भी तभी पकता है जब हम आंच को कंट्रोल करना सीखें, इनर फ्लेम, उस फ्लेम को कंट्रोल करना सीखें। और जीवन में भी हमें अपने इनर फ्लेम को, यानी डिज़ायर्स को, मोटिवेशन को, अचीवमेंट की जो इच्छा है, इनको मटीरियल सक्सेस है, इनको प्लेजर्स के पीछे भागना, इन सब चीज़ों की भी जो आग है इनको भी कंट्रोल करना आना चाहिए। मैं
ये भी आपसे शेयर करता हूँ कि काफ़ी वीडियोस ने मैंने इस अंदर की आग के बारे में बात की है और मैं इसको लाजमी समझता हूँ, इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो अंदर की आग चाहिए। अक्सर ये शेयर भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पिछले वीडियोज़ में कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अंदर की आग बहुत ज़रूरी है, मुझे गलत मत समझिएगा, बट एट द सेम टाइम वो आग अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो न सिर्फ हमारे सपनों को जलाएगी, हमारे घर परिवार को जला सकती है, हमें जला सकती है। इच्छा शक्ति होना बहुत अहम है, गोल्स होना बहुत ज़रूरी है, जीवन में आगे बढ़ने की जो आग है ये हो बहुत ज़रूरी है, पर ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, ये हमें जल्दबाजियों में डाल सकती है, हमसे ऐसी गलतियां करवा सकती है जो रिपेयर नहीं हो सकती, हमारे एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करा सकती है, हमारी नैतिकता को कॉम्प्रोमाइज़ करा सकती है, राइट, और हमें जला सकती है। ये बिल्कुल मध्यम हो जाए, उल्ट हो जाए तो भी गड़बड़ है, हम ठंडे होके बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। तो सही तापमान ढूंढना ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अपने इनर फ्लेम को सेट कैसे करना है एट द राइट टेम्परेचर, ताकि हम जीवन की जो दौड़ में लंबी रेस के घोड़े बन सकें। और ठीक है, कभी कभी उसको काफ़ी तेज़ करना पड़ेगा, अंदर की आग को एकदम से, तो जैसे कई बार कुकिंग में भी करना पड़ता है, डीप फ्राई कुछ करना हो एकदम से तेज़ भी करना पड़ेगा, कभी बिल्कुल स्लो भी करना पड़ेगा, बट हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। दैट इज़ माई मैसेज, सिंपल मैसेज थ्रू दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आज सुबह संडे की मॉर्निंग पैनकेक्स बनाते वक्त सामने आया। तो दो चीज़ें, जाते जाते हमने ऑब्जर्वेशन शेयर की है तो मैं थोड़ा सा आपको टिप्स भी देना चाहता हूँ प्रैक्टिकल ढंग में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में ज़्यादा लेजीनेस है, इच्छा शक्ति की कमी है, अगर आपकी अंदर की आग कम लगती है आपको, तो दो या तीन कारण हो सकते हैं। ए, नंबर वन, आपको ये पता ही नहीं आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको पता ही नहीं आपको पकाना क्या है, राइट। तो इस पर थोड़ा एफर्ट लगाएं, कंटिन्यूसली खुद से ये सवाल पूछें, व्हाट डू आई रियली वांट फ्रॉम माय लाइफ, व्हाट डू आई रियली वांट, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, इसको लिखना शुरू करें। आपकी क्लैरिफिकेशन होगी, धीरे धीरे आपके गोल्स उभर के सामने आएंगे, गोल्स उभर के सामने आएंगे तो साथ साथ इच्छा शक्ति भी जागेगी, और इच्छा शक्ति को अगर और स्ट्रांग करना है और दृढ़ करना है तो विजुलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। आंखें बंद करके जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं उनको मन में एक मूवी की तरह देखना शुरू करें, इस प्रोसेस से और क्लैरिटी होगी एंड इच्छा शक्ति और बढ़ेगी। तो अंदर की आग जब ठंडी पड़ जाए तो ये एक्टिविटी मेरे लिए पर्सनली बड़ी पावरफुल रहती है, राइट। एक और आप एक टिप मैं आपको देता हूं, अगर आपकी अंदर की आग कम है, अगर उसको बढ़ाना है, खुद को गुजरते वक्त का एहसास दिलाएं, राइट, कि टाइम कैसे हाथ से निकल रहा है, क्या मैंने प्रोग्रेस अचीव की है, कितनी की है, मैं किन चीज़ों में पीछे रह रहा हूँ, किन गलतियों के को बार बार दोहराता हूँ, किन कमियों के बारे में मुझे पता होने के बावजूद मैं एक्शन नहीं लेता। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेशन में जाएं और इन चीज़ों के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, और सबसे अहम, खुद को जब हम गुजरते वक्त का, कि हाथों में से रेत की तरह फिसलते हुए वक्त का एहसास दिलाते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति और बढ़ती है। ये एक तरीका है आग को बढ़ाने का। दूसरी तरफ मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि कई लोगों के मन में ये भ्रम है, खास करके आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, कि हर वक्त काम में मसरूफ रहना एक सॉर्ट ऑफ ब्रेवरी है, ये सुपर अचीवर का साइन है कि वो बस 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के बंदा काम में जुड़ा हुआ है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। ब्रेन को रेस्ट चाहिए, क्रिएटिव होने के लिए, नए आइडियाज़ जानने के लिए, दुनिया देखने के लिए। दुनिया देखेंगे और तौर तरीके देखेंगे और रास्ते देखेंगे तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी आएगी, नए गोल्स इमर्ज होंगे। ब्रेक ज़रूरी होती है, बॉडी को रेस्ट चाहिए, वरना बर्नआउट हो जाएगा, वरना वही ढंग से आप काम करते रहेंगे जैसे आप हमेशा करते आए हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इनोवेशन नहीं होगी। तो आजकल एक थोड़ा सा ये जो भ्रम यंगस्टर्स में और सुपर अचीवर्स में, ये जो मीडिया में या यूट्यूबर्स ने या कई और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने फैला दिया है कि बस इतना संघर्ष, इतनी एफर्ट्स कि बस रेस्ट बिल्कुल भी ना हो, मैं इसके खिलाफ हूँ। आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके सोल को रेस्ट चाहिए, रिकुपरेशन चाहिए, रिजुविनेशन चाहिए, रिप्लेनिशमेंट चाहिए, ताकि आप मेडिटेशन से आप सोल को रिप्लेनिश कर सकें,
अच्छी किताब पढ़ के अपने आइडियाज़ को रिफ़्रेश कर सकें, ट्रैवल जब करते हैं तो अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें, फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, हंसते गाते हैं, कुछ खाने पीने का बनाते हैं प्रोग्राम, कुछ बैठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इन चीज़ों से माइंड रिफ़्रेश होता है, पाठ पूजा करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, थोड़ा सोशल वर्क करते हैं, घर के सामने कोई पार्क खाली पड़ा हो उसमें गंदगी है उसकी सफाई करते हैं, स्लम में जाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, लेक्चर देते हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, इन सब चीज़ों से ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। काम अहम है पर सारी ज़िंदगी काम के इर्द गिर्द ही घूमे, मैं इसको अच्छी चीज़ नहीं मानता हूँ, और बल्कि एक ऑब्सेशन बन जाता है और OCD पैटर्न बन जाता है। अगर आप ये कहते हैं, ये बात कहने में गर्व महसूस करते हैं कि भाई मेरा तो इवन संडे को भी 100% काम पर ही ध्यान रहता है, लैपटॉप मैं घर पर ही लेकर आता हूँ और संडे में भी मैं कितना काम निकालता हूँ, तो ये कोई ब्रेवरी नहीं है, बहादुरी नहीं है। इस चीज़ का मेडल मैं आपको नहीं देता हूँ, मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। आप ब्रेक्स लें सो दैट आप फिर और अपनी ऊर्जा से अपने गोल्स को अप्रोच करें। जब आपका सप्ताह शुरू हो, जब आपका वीक स्टार्ट हो रहा हो, आप में फ्रेश एनर्जी हो, रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अंदर की आग बढ़ जाए, जैसे कि तवे पर बढ़ जाती है तो रोटी भी जल जाती है, और इसी तरह से हमारे गोल्स भी जल सकते हैं और हम भी जल सकते हैं। सो मेडिटेशन, स्टिलनेस, साइलेंस, गार्डनिंग, पेशेंस को इम्प्रूव करना, काम से स्विच ऑफ करना और ब्रेन को रेस्ट देना, ये भी बड़ा अहम है। तो आई विल क्लोज दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग विद जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर। राजदान सर, थैंक यू, आपका जो आप क्लास में हमें प्रैक्टिकल में हमें देते रहते थे रिमाइंडर कि आँच को कंट्रोल करना सीखो, इससे मैंने प्रेरित होकर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई है। जीवन में भी जल्दबाजी और ज़रूरत से ज़्यादा जो आग है वो हमसे कई बार ऐसी गलतियाँ करवा देती है कि हम या तो अपने एथिक्स को भूल जाते हैं या कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जिनको हम रिपेयर नहीं कर पाते। लर्न टू एन्जॉय द जर्नी, और जो सही तापमान पर चीज़ बड़ी स्वादिष्ट बनती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।